हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक झटपट बनने वाली स्वीट डिश लाई हूँ जो घर के बेसिक 5 इंग्रेडिएंट से बन जाती है और जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मार्केट के केमिकल और प्रिजर्वेटिव वाले स्वीट से बचने के लिए ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको आप फ्रीज में 1 मंथ तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। मिठाई को बनाने के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और फिर 1/2 लीटर गाय का दूध ऐड कर दीजिए। दूध को धीमी आंच में उबालते रहिए जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए। दूध को बीच बीच में स्टर करते रहिए। एक नारियल ले लीजिए और उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। पीछे का जो ब्राउन स्किन रहता है उसको भी काट के साफ कर लीजिए और इसका एक पेस्ट बना लीजिए। दूध जब गाढ़ा हो जाए उसमें 1/4 कप चीनी ऐड कर दीजिए। चीनी डिसॉल्व हो जाने के बाद इसमें ऐड कर दीजिए नारियल का पेस्ट। नारियल का पेस्ट ऐड करने के बाद आपको कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है। अब ले लीजिए 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लीजिए। कॉर्नफ्लावर को अच्छे से मिला लीजिएगा, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। कॉर्नफ्लावर को दूध में ऐड कीजिए और कंटिन्यूअसली स्टर करते रहिए। उबाल आ जाने के बाद हरी इलायची के छिलके को निकाल लीजिए और उसका दाना ऐड कर दीजिए ताकि दूध में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। दूध को आप कंटिन्यूअसली स्टर करते रहिए जब तक इसकी एक थिक कंसिस्टेंसी ना आ जाए। दूध का कंसिस्टेंसी जब थिक पेस्ट की तरह हो जाए इसका 1/2 पोर्शन एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब 1/2 मिल्क वाले पेस्ट में आप 3 टीस्पून कोको पाउडर ऐड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। अब ये चॉकलेट वाला पेस्ट भी एक प्लेट में अलग से निकाल लीजिए। लड्डू बनाने से पहले इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लीजिए। हाथ में ऑयल या तो घी लगा लीजिए और दोनों पेस्ट को इस तरीके से लेके एक लड्डू का शेप दे दीजिए। जनरली नारियल का लड्डू आसानी से टूट जाता है, ठीक से बाइंडिंग नहीं हो पाता है, बट ये रेसिपी में आपको बाइंडिंग रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा, आराम से लड्डू का शेप आप दे पाएंगे। 2-in-1 फ्लेवरफुल नारियल के लड्डू घर पे बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बना। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें और मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके सामने और भी ऐसे फ्लेवरफुल रेसिपीज ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय एंड टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।